मिनिस्टर साहब खतरनाक खतरनाक हैं बहुत ही सच्ची में। उनका लेवल ही कोई नहीं है सच्ची में। उनको क्या ही हम कहें, ये वीडियो में जितनी मतलब हो सकती थी ना उतनी उनकी की गई है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में। सो गाइस, आज इस वीडियो का हम मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आए, उसका नाम है खतरनाक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोज पाकिस्तानी फनी रोज टिब्रो ऑफिशियल। सो गाइस, इस वीडियो को बनाया है टिब्रो ऑफिशियल ने, उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रोस्ट वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड ब्लॉक किया था, या यू कहें ट्रेड और सिनेमा हॉल मूवी सारे इंडिया के ब्लॉक किए थे पाकिस्तान में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो चेकआउट करें। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। बस यही हालत है आजकल इमरान खान की भी। बंदा जहाँ भी जाता है अपने स्वागत के लिए खुद ही मालाएं लेकर जाता है, क्योंकि दूसरा तो कोई इसका स्वागत करने से रहा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि भाई इमरान खान सत्ता में आया तब्दीली का ये नारा देकर कि अब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। लेकिन हकीकत इसका तर्जुमा है कि अब आएगा इमरान मारेगा गरीबों की गांड, जाते हुए कहेगा लोड़े पे चढ़े पाकिस्तान। और अब तो ये बंदा इतना ज्यादा पगला चुका है कि अपने आप को सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा ही घोषित कर चुका है। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। क्यों? गवर्नमेंट से बाहर होने के बाद सिर पर मिसाइल लेकर घूमेगा या पिछवाड़े में शेख रशीद वाले आधे पाव के बम जो खतरनाक होगा? और भाई तुझे बताने की जरूरत ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम भी अब अच्छे से जान चुकी है कि जो बंदा सत्ता में रहते हुए खतरनाक हो वो सत्ता में न होने के बाद कितना खतरनाक होगा। तो इमरान खान के लिए क्या बोलोगे? गजब बेइज्जती है। और जो बंदे कटोरा खान को अपने मुल्क की इस हालत के बावजूद अब भी पसंद करते हैं। लेकिन मैं तो दिल में रखा हुआ इमरान खान को अपने, तो अपनी गांड में रख ले, हमें उसे क्या करनी है। मतलब गांड फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे, यही हिसाब है कटोरा खान का। कर्जे के बोझ तले जमीन में धसे हुए हैं, महंगाई ने गांड मार रखी है, मुल्क पूरा गिरवी रखा है, लेकिन बकचोदी आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो आपका पाकिस्तान। हाँ, इतना सस्ता कि लोग हवाई जहाज से हगने जा रहे, प्राइवेट कार से मूतने, पानी की जगह बिलायती शैंपेन पी रहे, खाना खाने जा रहे फाइव स्टार होटल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान अचानक से इतना सस्ता कैसे हो गया, क्योंकि भाई इमरान खान अब पिछवाड़े से पोटी की जगह सोना निकाल रहा है और सुसु की जगह पेट्रोल। तो अब पाकिस्तान में महंगाई खत्म। भाई पाकिस्तान में कुछ सस्ता हो ना हो, लेकिन सबसे सस्ता हुआ है इसका नशा। जिस दिन ये सस्ते नशे करना छोड़ देगा उस दिन मुल्क की हालत खुद ही सुधरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई अभी तो सच्चाई यही है। अल्लाह के वास्ते हुकूमत छोड़ दे यार, नया पाकिस्तान, इससे बेहतर तो हमारा पुराना पाकिस्तान था। बहुत महंगा है बेटा पाकिस्तान का, इसने बेड़ा घर कर दिया। सब्जी महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, हर चीज तो महंगा ही है। अब जब सब कुछ इतना महंगा ही है तो पाकिस्तान में सस्ता क्या है? तो इसका जवाब भी इन्हीं लोगों से जानते हैं। नए पाकिस्तान में कौन सी चीज सस्ती हुई है? अगर सस्ती हुई है ना तो आदमी की मौत हुई है। लेकिन इस सब के बाद भी कटोरा खान की बकचोदी खत्म नहीं होती। इसके अंदर हम कर्जे दे रहे हैं नौजवानों को, मतलब जो बंदा अब तक दूसरे देशों से कर्जा मांगता फिर रहा था आज वो बंदा भी बात कर रहा है कर्जा देने की। भाई जहां अन्य देशों में नेता बात करते हैं नौजवानों को रोजगार देने की, वहीं यहां तो चुतियापा ही अलग है। यहां नेता बात करते हैं कर्जा देने की। मतलब कटोरा खान चाहता क्या है? इसकी तरह पूरी आवाम भी कर्जे तले दब जाए। और भाई कर्जा जितनी तो पूरे पाकिस्तान की महीने भर की इनकम नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा रुपया तो बंदों को कर्जा चुकाने में देना पड़ता है। पिछले एक साल में हर महीने हमें $2 अरब का कर्जा लेना पड़ रहा है। अब भाई पाकिस्तान की इस
हालत के बावजूद ये कर्जा चुकाते कैसे हैं? तो भाई सिंपल है, कटोरा खान को एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और भाई ऐसा भी नहीं है कि ये बंदा सत्ता में आने के बाद ही भीख मांगना सीखा हो, बंदा बहुत ही पुराना भिखारी है। जब ये सत्ता में नहीं था तब भी ये दूसरे देशों से चंदा बटोरने जाता था, जिसका खुलासा खुद कटोरा खान ने किया है। नुसरत फतेह अली खान, तो मैं अपने साथ उनको फंड रेजिंग के लिए इंग्लैंड भी दौरों पे ले जाता था। बंदा इतने बड़े लेजेंड नुसरत फतेह अली खान को विदेश भी इसलिए ले जाता था ताकि फंड इकट्ठा कर सके, ना कि उनकी सिंगिंग की वजह से। आखिर कोई बंदा इतना मतलबी कैसे हो सकता है? लेकिन ये इकलौता किस्सा नहीं है। अगर इमरान खान का इतिहास कुरेदा जाए तो ऐसे और भी कई किस्से हैं जिनका सहारा लेकर कटोरा खान अक्सर अपनी आवाम को चूतिया बनाता रहता है। मैं जब स्कूल में था तो तब पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी से मुल्क वो आगे बढ़ रहा था। भाई इसकी बकचोदी के हिसाब से जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो रिजल्ट निकल कर आया कि इसकी स्कूलिंग के टाइम साल रहा होगा 1965-1970 के आसपास, जिस समय की ये बात कर रहा है कि मुल्क बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और हकीकत दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। और ये बंदा यही नहीं रुका, अभी और सुनो। हमें भी याद है कि हमारे स्कूलों के अंदर मलेशिया से शहजादे आया पढ़ते थे। अच्छा, मिडल ईस्ट से सारे लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, हमारी डिग्री सारी दुनिया में मानी जाती थी। भाई इस बंदे को मैं क्या बोलूं, साला इसकी बकचोदी सही नहीं जाती। एक तरफ बंदा बात कर रहा है कि पाकिस्तान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मलेशिया और मिडल ईस्ट के शहजादे पाकिस्तान पढ़ने आते थे, पाकिस्तानी डिग्री दुनिया में मानी जाती थी, और दूसरी तरफ यही झोपड़ी वाला खुद अपना देश छोड़कर लंदन पढ़ाई करने गया था। अब भाई जब पाकिस्तानी डिग्री की इतनी वैल्यू ही थी तो लंदन क्या चरस फूकने गया था? भाई लंदन में लिए हुए उच्च कोटि के चरस का ही असर है जो कटोरा खान का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। कभी ये रुपए की जगह लोगों को एक्सपोर्ट करता है। हमें जब गवर्नमेंट मिली थी तो 24 अरब 22 करोड़ लोगों की एक्सपोर्ट थी, तो कभी एक साल में 12। मौसम बोलता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। भाई ये बंदा साल की जगह एक महीने में भी 12 मौसम बोल दे तो भी कम है, क्योंकि ये तो वैसे भी अपने अलग ही मौसम में रहता है। अब भाई कटोरा खान से कोई पूछे कि पाकिस्तान में इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या इजाद किया है? सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया है? अब इमरान खान कहेगा, हमारे मुल्क की ये बड़ी बदकिस्मती है। अरे भाई तू बस कर, और नहीं झेल सकता तुझको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार मतलब सीरियसली पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर मतलब उनके भी लाइक 5 जो भी इयर्स है तो तभी होते होंगे ना शायद वोटिंग, तो इनको लाइक सत्य में आवे कितना कितने साल हो गए मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बोल रहे हैं नया पाकिस्तान आया है तो शायद मतलब आया होगा यार, मतलब क्या पता नया पाकिस्तान मतलब अच्छा हो बुरा हो ये नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ बोला है नया पाकिस्तान आएगा। तो मतलब अभी रिजल्ट के ऊपर थी पाकिस्तान के, उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। हाँ, एक्चुअली में कुछ इंडिया के भी हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं वो खाली वो जो पॉलिटिशियन होते हैं वगैरह, मजाक नॉर्मल ही उड़ाया जाता है ऐसा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो फिर तो मुझे पता ही नहीं थी कि अच्छा पहले भी फंड रेजिंग करते थे, तो पहले भी जा जाके जो है पैसे इकट्ठा करते थे, अब कोई ना कोई रीजन के लिए फंड रेजिंग ही करते होंगे, तो वो देख के मेरे को काफी हैरानी हुई थी कि पहले से प्रैक्टिस थी जैसे ये रोस्टिंग में कर रहे थे। पर मेरे को वो जो डायलॉग बोला कि हम लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं वो मुझे बड़ा अजीब लगा, लोगों की भी एक्सपोर्ट होता है, व्हाट डज ही मीन? नहीं मेरे ख्याल से लोगों का टोटल जितना भी काम करते हैं उसका एक्सपोर्ट, पता नहीं वो तो बोले लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं, चीजें एक्सपोर्ट होती है, लोग एक्सपोर्ट का मतलब ये तो नहीं कि हमारे वहां से लोग कहीं जो है दूसरी कंट्रीज में जाके नौकरियां करते हैं, मतलब था कि लोग जो काम करते हैं उससे पैसा हो जाता है वो एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ तो कोई अजीब ही स्टेटमेंट, बड़ा अजीब था, मैं जो वर्डिंग्स यूज किए वो बड़े अजीब थे, तो वो तो मैं सुन के भी बड़ी हैरान हुई हूँ। और दूसरा मुझे वो सुन के बड़ा हैरानी हुई कि हम अपने जो यंगस्टर्स हैं स्टूडेंट्स उनको भी लोन दे रहे हैं, तो मैं वो सोच रही थी कि पहले तो मतलब रोस्टिंग में तो उस टाइम मेरे को लगा कि यार
तुम कंट्री भी लोन लेती है अब अपने यंगस्टर्स को भी, अपने जो आगे फ्यूचर में आने वाले उनको अभी से लोन की आदत दिला के उनको भी वैसे ही बना रहे हो। नहीं। सो गाइस आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, और अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आऊंगा। और जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में।